फ्रेंड्स, रंजीत पीयू सिंह होम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सेमल और आलू की बहुत ही टेस्टी सब्जी। देखिए फ्रेंड्स, इसको ऐसे ऊपर का इसका भाग और नीचे का ऐसे काट के निकाल देते हैं और इसको बीच से ऐसे दो टुकड़े करके इसके जो बीच में ये हिस्सा होता है इसको निकाल दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसकी सब्जी खाने से हमारे जोड़ों के दर्द, कमर दर्द और घुटनों के दर्द में ये बहुत फायदेमंद होती है और ये फरवरी से मार्च तक ही मिलती है, जाड़ों के सीजन में ही। तो इसको जरूर बना के खाना चाहिए। तो ये देखिए, इसको ऐसे निकाल देंगे इसके बीच से। तो चलिए चलते हैं, इसी तरीके से सारी सब्जियों को हम काट देते हैं। तो देखिए, सेमल को हमने अच्छे से काट लिया, उसके बीच का हिस्सा निकाल दिया है और जो हमने आलू लिए थे उनको भी हमने धुल के काट लिया है अच्छे से, ये देखिए। और इसको बहुत ज़्यादा पतले पतले नहीं काटना है। तो अब चलिए चलते हैं, इसको तल लेते हैं। इसको हम तल लेंगे अच्छे से, इसके बाद फिर इसमें हम तड़का लगाएंगे। तलने से ये बहुत जल्दी से पक जाएगा क्योंकि इसका छिलका थोड़ा मोटा होता है। ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इसकी सब्जी बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं, इसको पहले अच्छे से तल लेते हैं। हमने सब्जी में तड़का लगा दिया है। तड़का मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। इसमें मैंने लहसुन लिया है, जीरा लिया है, हींग लिया है और लाल मिर्च ली है। आप हरी मिर्च भी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम वहीं पर डाल देंगे जो हमने गरम मसाले ले रखे हैं। तो देखिए, गरम मसालों में हमने लिया है सूखा गरम मसाला, हल्दी पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर और हल्का सा एक चुटकी काली मिर्च पाउडर। हम इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं, छोटे या बड़े साइज का, जैसा आपको पसंद हो। इससे बहुत चटपटी सब्जी बनेगी। इसको हम काट के ही डालेंगे। ये मसाला हमारा अच्छे से पक चुके हैं, हम इसमें डाल देंगे जो सब्जी हमने तल के रखी हुई है और चला के धीमी आंच पे ढक के रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी का कलर कितना अच्छा है। इस सब्जी को एक बार आप बना के जरूर ट्राई करिएगा अगर आपको घी मिल जाती है तो। आपको ये जनवरी फरवरी मार्च तक आराम से मिल जाएगी और ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही हेल्दी होती है। तो देखते हैं, अब इसको ढक देते हैं 5 मिनट के लिए, फिर आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं। चलिए देखते हैं हमारी सब्जी हल्की नहीं हुई। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी कितने अच्छे से पक चुकी है। ये देखिए, आलू भी अच्छे से पक चुका है और सेमल भी हमारी अच्छे से पक चुकी है, ये देखिए। तो अब इसको हम एक स्पून ऐसे ही खुला रख के भूनेंगे तो इससे ये और भी अच्छी बन जाएगी। और देखिए इसका कलर कितना अच्छा है फ्रेंड्स, ये देखिए। तो चलिए आपको मैं कटोरी में निकाल के दिखाती हूँ कैसी लग रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी कितनी अच्छी बन के तैयार हो गई। आप लोग इसको जरूर से जरूर बना के देखिएगा। इसको हम रोटी, दाल चावल किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। तो अगर फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।